नमस्कार मित्रों, आज उत्तराखंड में जन मुद्दों पर सरकार की हीला हिवाली पर बात करेंगे। सत्र जब होता है तो जनता को आस होती है कि उनके ज्वलंत मुद्दों पर सरकार का जवाब मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा में मुद्दे सदन में आ ही नहीं पा रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं बल्कि उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि 619 सवाल सदन में रखे गए थे उठाने के लिए, लेकिन जवाब बहुत ही कम सवालों के मिले। सुनिए क्या बोले यशपाल आर्य अपनी बात के लिए। 619 सवाल माननीय विधायकों के प्रश्न, क्या दो दिन में उस सवालों का जवाब सरकार देने की स्थिति में थी? और जो विषय ज्वलंत विषय है, जो आज के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, सरकार इन सवालों से बचना चाहती थी, भागना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने दो दिन में यह सत्र को समेट दिया। 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर का सत्र कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों में सहमति बनी और 2 से लेकर 5 तक सत्र चलना आहूत किया गया, लेकिन सदन में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें हैं उसे रखा गया, उसमें 2 दिन का सत्र निर्धारित था। ये तो क्या है, सदन तो नियमावली से चलता है, नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है, और उसके लगातार अनदेखी राज्य सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये भाजपा सरकार में ही हो रहा है दोस्तों, ये कांग्रेस की सरकार में भी होता था, लेकिन जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तब भी कानून व्यवस्था, भूमि घोटाले, जमीनों के मालिकाना हक सहित बेरोजगारों के मुद्दे थे, लेकिन तब रावत सरकार मुद्दों को ऐसे ही लटका देती थी। उस समय बीजेपी विपक्ष में चीखती रहती थी जनता के मुद्दों के लिए, लेकिन सत्र 2 या 3 दिन में ही सिमट जाता था। बहरहाल दोस्तों, उत्तराखंड के क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, कम से कम आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे सरकार जवाब देने के साथ उस पर कुछ काम भी कर पाए, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर उत्तराखंड टिका है, इन्हीं मुद्दों पर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। तो हमारे इस वीडियो को देखकर आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।